हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम चलेंगे नाइन्थ क्लास में बिहाइव बुक का पोयम रेन ऑन द रूफ। थर्ड पोयम है ये, ठीक है। कर्ट स्किनी की पोयम है ये। इसमें उन्होंने जो वर्षा के टाइम की, रेन के टाइम की जो फीलिंग होती है उसको डिस्क्राइब किया है इस पोयम। लेट्स स्टार्ट द पोयम। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड स्टार्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। जब आकाश काले बादलों से ढक जाता है और वर्षा शुरू हो जाती है, क्या आपने छत पर गिरती हुई कोमल वर्षा की बूंदों की आवाज को ध्यान से सुना है? What thoughts flash through your mind as your heart this melody of nature? तो जब आप इस प्रकृति के मधुर संगीत को सुनते हो तो आपके मस्तिष्क में कैसे विचार आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to रेन। और यह पता लगाने के लिए कवि क्या स्वप्न देखा करता था जब वह वर्षा की आवाज को सुन। आपको इस पोयम को पढ़ना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड होता है जब आर्द्रता, नमी होती है, बारिश होने वाली होती है। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स एंड द मैक्लाउडली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स विद व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। जब आर्द्र छाया पूरे तारों से भरे आकाश पर मंडराती है और उदासी भरी उदासी में अंधेरा चुपचाप वर्षा के आंसू बहाता है, उस समय एक कॉटेज कक्ष के बिस्तर पर तकिए को दबाने में और सिर पर कोमल वर्षा की आवाज को सुनते हुए लेटे रहना कितना इस कवि ने कल्पना की है कि भाई ह्यूमिड कंडीशन है चारों तरफ और हम एक कॉटेज में बिस्तर पर तकिए पर लेटे हैं दबाए हुए और हमारे सिर पर सिर में मतलब जो वर्षा की आवाज है उसको हम सुन रहे हैं, उसको सुनने में कितना आनंद आता है। एवरी टिंकल ऑन द शिग्लेस हैज एन इको इन द हार्ट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। छत पर लगी जो टाइलें हैं उन पर हल्की बज रही हैं जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उनके जो रिफ्लेक्शन है वो हार्ट्स में होती है, मतलब उनकी जो प्रतिध्वनि है वो दिल में उत्पन्न होती है। और थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज और हजारों सपने जैसी कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं और हजारों यादें अपने हवाई धागे बाने पर बुनती हैं जब मैं छत पर वर्षा की बूंदों की पट पट की ध्वनि ध्यान से सुनता हूँ। जब मतलब बहुत गहरी कल्पना की है कवि ने, बिल्कुल मतलब वो एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं, उनकी इन कल्पनाओं से हम ये पता लगा लेते हैं कि जब टाइलों पर वो आवाज गिरती है पट पट, उनकी रिफ्लेक्शन जो है प्रतिध्वनि हमारे हार्ट में पैदा होती है, इको, एक साउंड इको हमारे हार्ट में होती है और हमारे मन में हजारों कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं और जब मैं छत पर वर्षा की बूंदों की को ध्यान से सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और इस समय मेरी माँ मुझे याद आती है। एंड शी यूज इन ए ईयर्स गॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और जैसे वे वर्षों पूर्व हुआ करती थी वे अपने प्रिय स्वप्न दर्शियों को देखा करती थी। एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सूर्योदय तक के लिए छोड़कर चली जाया करती थी। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगलेस बाय द पैटर ऑफ द रेन। मैं उसकी प्यार पूर्ण दृष्टि को महसूस कर सकता हूँ और जब मैं इस वर्षा की ध्वनि को सुनता हूँ जो छत में लगी टाइलों पर बारिश की बूंदें गिरने ध्वनि से पैदा होती है। मीन्स उसको अपनी माँ भी याद आ जाती है जैसा कि वो पहले होती थी, और वह अपने मतलब उसके प्यारे जो वो थे ड्रीमर्स स्वप्नदर्शी उनको देखा करती थी और सूर्योदय के लिए छोड़कर चली जाए, मतलब माँ भी इस दुनिया है तो बारिश को देखकर भी माँ की याद उन्हें आती है। एक कविता थी, कवि ने बारिश के बारे में बताया कि बारिश की जो पटर पटर की ध्वनि पैदा होती है वो ध्वनि उन्हें बहुत अच्छी लगती है, उनके मस्तिष्क को दिमाग को सुकून देती है और उसकी माँ याद दिला देती है। तो भी इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपने अटेम्प्ट करनी है, अपलोड करना है और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए।